नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, साहस और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल 22 अक्टूबर 2021 को तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल को ऊर्जा और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए तुला राशि में मंगल के प्रवेश से कुछ जातकों के करियर में इस दौरान अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही वायु तत्व की राशि तुला में मंगल के गोचर से मौसम में भी ठंडक देखी जा सकती है। मंगल का यह गोचर किन राशियों के करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं। मेष राशि। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। यदि पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो इस दौरान पार्टनर के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। मुनाफा कमाने के लिए इस दौरान आपके पास अच्छी योजनाएं होंगी और उन योजनाओं में आप खरे भी उतरेंगे। वृषभ राशि। मंगल ग्रह आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि वैदिक ज्योतिष में इस भाव को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इस भाव में मंगल के गोचर से करियर क्षेत्र में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। मंगल के गोचर के चलते इस राशि के कुछ लोग आमदनी में वृद्धि के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता मिलने की भी अच्छी संभावना है। वहीं कुछ लोगों को अपने दोस्तों से करियर क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे करियर की गाड़ी वापस पटरी पर लौटेगी। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर से करियर से जुड़ी कई समस्याएं इस दौरान दूर हो सकती हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में थे, उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह से आपको फायदा मिल सकता है। घर से दूर रहने वाले इस राशि के जातक आज के दिन नौकरी मिलने की खुशखबरी अपने घर वालों को सुना सकते हैं। तुला राशि। आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में मंगल का गोचर आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास भरेगा। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में उन कार्यों को भी आसानी से कर पाएंगे जिनको करने में आपको दिक्कतों का सामना पहले करना पड़ता था। इस दौरान आप हर कार्य को समय पर पूरा करेंगे, इसलिए आपके सीनियर्स भी आपकी प्रशंसा करते नजर आ सकते हैं। मकर राशि। मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव में मंगल के गोचर करने से करियर क्षेत्र में इस राशि के जातकों को सफलता मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि के उन जातकों के लिए भी यह समय अच्छा है जो विदेशों से जुड़ा कारोबार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।